लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस करा था उसमें हम न्यूमेटिक कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट कर चुके थे, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो हम आज फिर से फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेटिक्स की क्लास जिन्होंने नहीं लगाई थी सैटरडे को। तो सबसे पहले ना हम जब बात करते हैं न्यूमेटिक सिस्टम की, तो न्यूमेटिक सिस्टम में जो मैं आपको बता रहा था FLR यूनिट के बारे में बता रहा था, जिसमें हम फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर की बात कर रहे थे, उस चीज को कहा जाता है एयर प्रिपरेशन यूनिट। ठीक है, एयर प्रिपरेशन यूनिट का मतलब क्या होता है कि हम एयर को पहले प्रिपेयर करते हैं अपने नेक्स्ट जो भी कंपोनेंट्स में जहां पर भी हमने इसको यूज करना है, तो उस पूरे पार्ट को क्या कहा जाता है, एयर प्रिपरेशन यूनिट। तो इस तरह से हम देखेंगे एयर प्रिपरेशन यूनिट में हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात आती है एयर फिल्टर की। ठीक है, सो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि ये एयर फिल्टर काम कैसे करता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थे और डाउट्स थे। तो आज क्या है, मेरे पास एनिमेशंस हैं, यहाँ से हम एक एक कंपोनेंट की एनिमेशन से चेक करेंगे और साथ में उनका सिंबल भी याद रखेंगे। ठीक है, जब आप इसके सीमेटिक में चेक करोगे, इंडस्ट्रीज में आपको कभी भी कोई इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उससे क्या होगा, आपको इस तरह का सिंबल वहां पे बताया गया होगा और आप इस सिंबल से ही आपको पहचानना पड़ेगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की, डायोड, डायोड दिखता कुछ अलग तरीके से, बट उसका जब हम सिंबल यूज करते हैं सीमेटिक में तो बहुत अलग डिफरेंट तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, आराम आराम से देखेंगे। मानो ये हमारे पास एक फिल्टर है, मैं सबसे पहले भी सिर्फ एयर फिल्टर यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इसका साइज बताया गया हुआ है, साइज इसका 1/4 इंच इस तरह से है। तो ये करेगा, इसका असल में मेन पर्पस क्या है, सेपरेट डस्ट, डर्ट, मॉइस्चर एंड अदर कंटेनमेंट्स फ्रॉम द कंप्रेस्ड एयर। जब कंप्रेशर के बाद सबसे पहले एयर आएगी तो सबसे पहले उसको कहाँ पे इनपुट किया जाएगा, एयर फिल्टर में। सो एयर फिल्टर में जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, सेपरेटर, फिर यहाँ पर एक शील्ड है, यहाँ पे ब्रॉन्ज फिल्टर एलिमेंट है, ये जो आपको येलो में आपको दिख रहा है ये मेन फिल्टर है। जैसे वाटर फिल्टर होता है उसमें क्या होता है, वाटर उस फिल्टर में से क्रॉस करके जाता है और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो उसी फिल्टर फिल्टर्ड पार्ट में रह जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे गया जो कंडेंस्ड एयर रहती है हमारे पास, वो यहाँ पर चैम्बर है हमारे पास। अब अगर हम इसको रन करें, मैं इजी इसको ना इसको बिल्कुल स्लोली रन करूंगा। अब यहाँ से देखना आप, जैसे ही मैं इसको आगे करके, ठीक है, ये देखो यहाँ से एयर इन आ रही है, अनफिल्टर्ड एयर जैसे ही फिल्टर हमारे कंपोनेंट के पास आएगी वो यहाँ से क्रॉस होना स्टार्ट होगी। अच्छा, एक चीज और, इस चीज को ऐसा मत समझना कि ये सिर्फ इस तरह से आपको दिख रहा है, ये सिर्फ साइड व्यू है और क्रॉस सेक्शनल व्यू आपको दिखाया गया है, असल में ये पूरा सिलेंड्रिकल है और ये चीज पूरे इस तरह से घूमी होगी। इसको हम टॉप व्यू से देखेंगे, अगर आप टॉप व्यू को बॉटल को देखते हो तो ऊपर से आपको पूरा सर्कल दिखता है ना, असल में ये जो एयर फिल्टर है ये अगर मैं इसको टॉप व्यू से चेक करूंगा तो टॉप व्यू से मुझे किस तरह से दिखेगा, टॉप व्यू में हमें ये जैसे बॉटल को अगर हम ऊपर से देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से दिखेगा। एक सेकंड, मैं राइटिंग पैड अटैच कर लूं। आपको जो भी व्यूज यहाँ पे दिख रहे हैं वो किस तरह से हैं, वो साइड व्यूज हैं, बट इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो टॉप से जो फिल्टर की जो वॉल्व है, जो येलो का येलो आपको दिख रहा है वहां पे, वो पूरा इस तरह से रहेगा। ठीक है, जब एयर आएगी कंप्रेस्ड एयर हर साइड से इसमें से आएगी और फिल्टर होके यहाँ पे हमें फिल्टर्ड एयर मिलेगी जो बाद में नेक्स्ट वॉल में जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये हमारे पास इन के लिए और यहाँ से आउट के लिए कनेक्शन है। ओके, सो हम थोड़ा सा इसको प्रोसेस को आगे करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर इस पार्ट को जूम करके दिखाया गया है कि किस तरह से एयर यहाँ पर फिल्टर होगी। ये जो येलो पार्ट है इसी येलो पार्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, देखो एयर यहाँ से जैसे ही फिल होना स्टार्ट होगी तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा, जैसे प्रेशर बनेगा उसके बाद वो फिल्टर्ड एयर हमारे पास इस चैम्बर में आएगी और इस चैम्बर से होते हुए आउटलेट में जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे प्रेशर बनेगा यहाँ से हमें क्या होगा, हमारा जो सेपरेटर है सेपरेटर से भी ऑन हो जाएगा। ये देखो अब फिल्टर्ड एयर आपको किस तरह से है, डार्क ब्लू में दिखाई गई है अंदर। ठीक है, ये बाहर आपके पास अनफिल्टर्ड एयर है और फिल्टर्ड एयर आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पर इनसाइड को एरोज बन रहे हैं, यहाँ से क्या हो गया, एयर फिल्टर्ड होके आउटलेट वाले पोर्ट में पहुंच गई। ठीक है, फिल्टर्ड एयर आपके पास पहुंच गई। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस रहता है पूरा, कि किस तरह से ये पूरा फिल्टर काम करता है।
और बात आती है, अब देखो इसमें थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर दिख रहा है आपको, ये जो यहाँ पे सेपरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, जो भी एक्सेस मॉइस्चर अगर इन एयर के अंदर है ठीक है, उसको क्या करेगा, यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, उसको क्या करते हैं हम रेगुलरली उसको 1 month के बाद 2 month के बाद, वो डिपेंड करता है कि अगर ये फिल हो जाता है तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज को वहां से जो वाटर हमारे इकट्ठा हुआ रहता है, जो एयर एयर में से उसने वाटर लिया हुआ है, उस चीज को वो क्या करेगा डिस्पेंस करना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये इसमें वाटर फिल हो रहा है, वाटर, इसको हम वाटर भी कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं इम्प्योरिटीज भी कह सकते हैं। तो बाद में हम क्या करते हैं, इसको भी हम आउट कर देते हैं जब ये पूरा फिल हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास मार्किंग रहती है अगर ये चीज पूरी फिल हो जाए ठीक है। तो ये था बात हमारे पास किस चीज की, एयर फिल्टर की, कि एयर फिल्टर किस तरह से काम करता है। तो दो काम हो रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो डस्ट को भी कर रहा है और मॉइस्चर को भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है हमारी अनफिल्टर्ड एयर से, और आगे जो एयर प्रोवाइड कर रहा है वो बिल्कुल प्योर फिल्टर्ड एयर हमें आगे प्रोसेस में मिल रही है। अब अगर हम बात करें, देखो आपने जब कोरोना के टाइम में न्यूज सुनी होगी, तो इंडस्ट्रियल जो ऑक्सीजन थी वो डायरेक्ट पेशेंट्स को आप नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ता है, जो इंडस्ट्रियल ग्रेड की जो ऑक्सीजन है उसको भी फिल्टर्स के थ्रू क्रॉस करके उसको प्योर करना पड़ता है, ताकि वो जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमंस बॉडी के अंदर इंसर्ट की जा सके ठीक है। हमारे पास उसी तरह से हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें भी हमें क्या चाहिए होता है, डस्ट फ्री एयर चाहिए होती है, उसके लिए हम इस फिल्टर कंपोनेंट को यूज करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट आ जाता है इसके बाद, ये हमने कौन सा देखा, एयर फिल्टर देख लिया ठीक है। देन हम बात करते हैं कुछ और टाइप के भी हमारे पास फिल्टर्स रहते हैं, इसमें क्या है, देर आर यूज ऑफ हाई एफिशिएंसी एंड फॉर रिमूविंग द फाइन ऑयल पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स ऑफ द साइज अप टू 0.01 माइक्रोन्स। अगर आपके पास, जैसे आपने देखा होगा हमारे पास फिल्टर्स में डिफरेंट डिफरेंट अटैचमेंट्स आती हैं, हम जो घरों में फिल्टर यूज करते हैं उसमें क्या होता है कि अगर आपके एरिया में वाटर बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड है तो उसमें डिफरेंट टाइप का फिल्टर यूज होगा, अगर सिंपल वाटर, अगर आप सिर्फ सिर्फ आप मिट्टी को ही अलग करना चाहते हैं सिंपल फिल्टर यूज होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके पास जो फिल्टर हो, अब देखो यहाँ पे जो फिल्टर यूज हुआ वो बहुत ही डेंस डेंस वाला यूज हुआ है, अब जो डेंस फिल्टर हमारे पास यूज होगा, डेंस फिल्टर क्या होगा हमारे पास, यहाँ से देखो इन एयर यहाँ से आ रही है येलो पार्ट में, और येलो से वो फिल्टर्ड एयर इस बाहर वाले चैम्बर से आके यहाँ से आउट हो रही है ठीक है। थोड़ा सा इसकी वर्किंग उससे थोड़ी सी डिफरेंट है बट कॉन्सेप्ट वही है, बट इसमें हमारे पास जो फिल्टर होगा वो 0.01 माइक्रोन्स तक के पार्टिकल्स को फिल्टर आउट करेगा। तो 0.01 माइक्रोन का मतलब क्या है कि जो ऑयल का जो साइज होता है, ऑयल का जो ड्रॉपलेट होती है उसका जो साइज होता है, ये उस चीज की बात कर रहा है। ये तब यूज करते हैं, कई बार आपके पास जो कंप्रेसर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑयल से चलने वाले होते हैं ठीक है, जिसमें ऑयल तो कुछ होता है ऑयल फ्री, जो एयर कूल्ड कंप्रेसर्स होते हैं, तो हम मैक्सिमम एयर कूल्ड कंप्रेसर ही यूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। बट अगर आपके पास, देखो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशंस रहती हैं, हो सकता है कि आपके एयर में कुछ ऑयल मॉइस्चर वहां पर हो ठीक, तो उसको सेपरेट करने के लिए आपको ये अलग से फिल्टर भी यूज करना पड़ सकता है, डिपेंड करेगा आपके पास एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या है। तो अभी तक हमने दो टाइप के इसमें फिल्टर्स देख लिए, अब थर्ड टाइप का हमारे पास जो आ रहा है एयर प्रेपरेशन यूनिट, तो ये हमने देख लिया था, सॉरी मैं बैक आ गया था, उससे हम कर बात करते हैं रेगुलेटर की। तो मैंने आपको बताया था FRL यूनिट, फिल्टर हमने देख लिया, अब हम आ चुके हैं रेगुलेटर के ऊपर। सो रेगुलेटर का सिंबल कुछ इस तरह से रहता है, यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखेगा और उसके ऊपर एक नॉब लगी होगी, नॉब का मतलब क्या है कि हम यहाँ से प्रेशर को एडजस्ट कर सकते हैं कि हमें आगे रिक्वायर्ड प्रेशर कितना चाहिए ठीक है। प्रेशर और इसके सिंबल किस तरह से यूज होता है, इस तरह का एक सिंबल यूज होता है हमारे पास, और यहाँ पे कनेक्शन हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर हम कनेक्शन करेंगे। अब बात करते हैं कि यहाँ पर ये रेगुलेटर किस तरह से काम करता है, अभी आपके यहाँ पर तीन टाइप के गॉज दिख रहे हैं ठीक है, तीनों में हमारे पास रीडिंग क्या आ रही है प्रेशर गॉज में, 0.00 ठीक है, अभी क्योंकि कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया गया है। जैसे ही यहाँ से मैंने क्या करा, प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट करा, ठीक है अब यहां से देखना मैं धीरे धीरे इसको करता हूं, मैंने प्रेशर अप्लाई करा ठीक है, अब यहां से जो एयर आई, जो फिल्टर्ड एयर थी, फिल्टर्ड एयर कहां से, फिल्टर के बाद जो एयर थी वो हमारे पास रेगुलेटर में आएगी, रेगुलेटर से यहाँ पर ये हमारे पास एक असेंबली रहती है और यहाँ पर हमारे पास नॉब रहती है, इससे हम प्रेशर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब देखो जैसे ही प्रेशर यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से मूव करेगा,
और ये मूव कितना करेगा जो हमने यहाँ से सेटिंग की होगी प्रेशर की, ठीक है। और इस चीज को हम देखो यहाँ पर 0 2 4 8, 8 बार का प्रेशर सेट करा हुआ है। अगर 8 बार का प्रेशर सेट करा हुआ है और पीछे से कितना प्रेशर आ रहा है, 10 बार का प्रेशर आ रहा है। अगर 10 बार का प्रेशर इन इनमें आ रहा है और हमारे रेगुलेटर ने इसको सेट करा हुआ है 8 बार, तो हमें आउटलेट में भी 8 बार मिलना चाहिए, ठीक है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास प्रेशर चलेगा और हम यहां से नॉब से क्या कर सकते हैं, इसको एडजस्ट कर सकते हैं प्रेशर को। ओके, कोई डाउट, इसको पूरा प्रोसेस को एक बार बता देता हूं, ये देखो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा इस प्रोसेस में, देखो अगर मानो आपके पास एक्सेस प्रेशर है, अब ऐसा तो है नहीं कि एक्सेस प्रेशर पीछे से, तो क्या होगा हमारा कंप्रेसर कंटिन्यूसली आपको सप्लाई करता रहेगा। तो रेगुलेटर का काम क्या है कि जो इसके पास एक्सेस प्रेशर रहेगा उसको वो क्या करेगा, एग्जॉस्ट के थ्रू एयर में फेंक देगा, ठीक है। हमारे पास 10 का था और हमने सेट इसको 8 पे करा, तो ये क्या करेगा एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या करेगा, एयर में उसको फेंकना स्टार्ट कर देगा। और इसी से हम क्या करते हैं, इसमें एक मीटर लगा होता है साथ में, उससे हम एडजस्ट कर लेते हैं कि हमें आउटपुट पे कितना प्रेशर चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रोसेस पूरा। डन, एंड देन हम बात करेंगे ल्यूब्रिकेशन पार्ट की, ठीक है, कि ल्यूब्रिकेशन वाला जो पार्ट है हमारे पास वो किस तरह से काम करता है। हमने फिल्टर डिस्कस कर लिया, रेगुलेटर डिस्कस कर लिया, अब उसके बाद बात आती है हमारे पास ल्यूब्रिकेटर की। सो ल्यूब्रिकेटर हम किस चीज के लिए यूज करते थे, ल्यूब्रिकेटर आर यूज्ड टू फीड ल्यूब्रिकेंट्स टू द न्यूमेटिक इक्विपमेंट्स। मैंने कहा था कि हमारे पास जितने भी पिस्टन्स मूव करेंगे या कोई भी मूविंग पार्ट हमारे पास है उसको हमें ऑयलिंग करनी पड़ती है या ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, नॉट ऑयलिंग बट हमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो कुछ स्टूडेंट पूछ सकते हैं कि सर हमने पहले तो उसमें से ऑयल को रिमूव कर दिया था, बट हम स्पेसिफिक टाइप का एक ल्यूब्रिकेटर रहता है हर एक मशीन के लिए, तो इसके लिए भी एक स्पेसिफिक टाइप का ल्यूब्रिकेटर रहता है जो इस टैंक में भरा रहता है। ओके, अभी देखो ये नॉर्मल कंडीशन में, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी एयर नहीं आई है, तो हम यहाँ से कौन सी एयर करेंगे, फिल्टर्ड एयर करेंगे। अब एक बात चाहिए, अगर हम डायरेक्ट ही मान लो कि मैं अनफिल्टर्ड एयर इसमें इनपुट कर देता हूँ तो वो ऑयल के साथ अगर मिक्स हो जाएगी तब वो क्या करेगा, मेरे ऑयल को तो खराब करेगा ही करेगा, बट जो हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो जाके पिस्टन को भी खराब कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स रहती है, इसके लिए हमें इसको एयर प्रेपरेशन यूनिट्स को यूज करना पड़ता है। एयर प्रेपरेशन यूनिट में हमारे पास फिल्टर, रेगुलेटर एंड ल्यूब्रिकेटर आते हैं। सो देखो अब प्रोसेस किस तरह से चलता है, शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये मान लो यहां से एयर इस तरह से जा रही है, ठीक है, फिल्टर्ड एयर और ल्यूब्रिकेटेड एयर। यहां से हमारे पास एक वॉल्व होता है, उससे क्या होगा इस टैंक में प्रेशर बनेगा। जैसे ही टैंक में प्रेशर बनेगा, देखो धीरे धीरे प्रेशर बनना स्टार्ट होगा। अगर प्रेशर बनना स्टार्ट होगा तो आप इसे पिछले वाला प्रोसेस देखना, यहां पर एक कैपिलरी रिएक्शन होगा। कैपिलरी रिएक्शन में क्या होगा, जैसे ही यहां पर प्रेशर बनेगा यहां से ल्यूब्रिकेटर ऊपर उठेगा, ऊपर उठ के वो यहां से निकल के यहां पर एयर में मिक्स होगा। किस तरह से देख लेते हैं, देखो यहां से येलो वाला जो ल्यूब्रिकेटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, अब धीरे धीरे वो इस टैंक में आ जाएगा और यहां पर पहुंच जाएगा। देखो यहां से ऑयल गिरना स्टार्ट हुआ, अब यहां से वो स्प्रे हो रहा है, और स्प्रे के साथ क्या हो रहा है, अब वो हमारे पास जो पीछे से हमारे पास फिल्टर्ड एयर आ रही थी उसके साथ वो मिक्स हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, ल्यूब्रिकेटेड एयर प्रोवाइड करेगा आगे कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, सर यस, ये वाला समझ में नहीं आया सर, दोबारा रिपीट कर दो। ओके जी, ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले देखो यहाँ पर दो टैंक्स हैं, एक टैंक तो आपको दिख रहा होगा जिसमें पूरा येलो है, बट येलो के अंदर आपके पास यहाँ पर भी येलो फिल हुआ है, ये जो पाइप आपको दिख रही है। अब क्या होगा, जैसे मानो आप यहाँ पे प्रेशर डालोगे तो ये जो प्रेशर है यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब मानो आपने क्या करा हुआ है, एक बॉटल ली हुई है, ठीक है, बॉटल में आपने एक स्ट्रॉ डाल के रखी है। अब बॉटल को अगर पिचकोगे तो उसमें से जो कोल्ड ड्रिंक है या जो वाटर है वो कहाँ से आएगा, उस पाइप के थ्रू बाहर आ जाएगा। वही प्रोसेस यहाँ पर होगा, यहाँ पे जैसे एयर का प्रेशर इस टैंक में बनेगा ये जो ल्यूब्रिकेशन है ये ऊपर की तरफ आएगा और ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। और अभी हो सकता है आपको डाउट आ रहा होगा कि यहाँ से और यहाँ पे तो कोई कनेक्शन है नहीं, मैंने अभी तभी आपको कहा था ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल व्यू है, सामने से व्यू है।
असल में ये चीज किस तरह से होगी, टॉप व्यू में, ये इस तरह से सर्कल है, वहां से जो पाइप आ रही होगी उस पाइप का कनेक्शन हमारे पास यहाँ से स्प्रेयर के पास होगा, ठीक है। अब इसी चीज को अगर मैं साइड व्यू में देखूं तो वो जो पाइप यहाँ से जा रही थी येलो पाइप, वो येलो पाइप हमारे पास ल्यूब्रिकेटर में जाके कनेक्ट होगी और ल्यूब्रिकेटर से आगे स्प्रेयर में जाके कनेक्ट होगी। तो जो स्प्रे होगा वो यहाँ पर लगा हुआ है। अब इस प्रोसेस को धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ से एयर आई, अब एकदम से तो एयर चलना स्टार्ट होगी, बट जैसे एयर यहाँ से जाएगी तो एयर के लिए जहां जहां पे ओपन वॉल्व है वहां से एयर जाना स्टार्ट होगी। अब ये एयर क्या होगी, इस टैंक में आ जाएगी, ठीक है। इस तरह एयर टैंक में आ रही है एयर, देखो जैसे धीरे धीरे टैंक में एयर यहाँ पे पहुंची, इसके बाद ये देखो येलो पार्ट ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ठीक है। प्रेशर बनने के बाद वो एयर जो हमारे पास ल्यूब्रिकेशन है वो यहाँ से ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा और यहाँ पे वो स्प्रिंकल होना स्टार्ट होगा, जैसे स्प्रे होगा, ठीक है। देखो ये देखो यहाँ पर स्प्रे होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब ये स्प्रे हो जाएगा तो वो एयर में मिक्स हो जाएगा, ओके। अब देखो ये भी हो सकता है कि जैसे अब मैं मानो मैं पूरा दिन इस चीज प्रोसेस को कर रहा हूँ, या मैंने जितने भी इस ऑयल की कैपेसिटी है ल्यूब्रिकेशन करने की, एक टाइम आएगा ये सारा का सारा जो हमारे पास ल्यूब्रिकेटर है ये खत्म हो जाएगा, तो हमें इसको रिफिल करना पड़ेगा क्योंकि ल्यूब्रिकेशन करते करते जो ल्यूब्रिकेंट है वो हमारा कहाँ पहुंच गया, कंपोनेंट्स के अंदर पहुंच चुका है। एक टाइम आएगा हमें ल्यूब्रिकेशन ऑयल फिर से डालना पड़ेगा। आप देखो गाड़ी में आप पेट्रोल तो डालते ही हो, बट साथ में इंजन ऑयल, कूलेंट और भी ऑयल्स, बड़े टाइप के ऑयल डलते हैं ना, जो क्या करते हैं हमारे इंजन को स्मूथली काम करने के लिए हेल्प करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमारे पास पिस्टन है और पिस्टन को हमें लुब्रिकेट करना पड़ता है। हाँ अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट क्लियर है? यस सर। तो ये प्रोसेस रहता है हमारे पास लुब्रिकेटर का। अब देखो तीनों चीजें हमने अलग अलग से पढ़ ली, ये रेगुलेटर था हमारे पास, ये लुब्रिकेटर था। अब आपको कई बार क्या होता है, ये सारी चीजें आपको कई बार कंबाइन भी मिलती हैं, तब हम इस चीज को कंबाइन क्या देते हैं, एफ आर एल यूनिट, फिल्टर रेगुलेटर कॉम्बिनेशन। अब मानो देखो, अब मानो आपके पास फिल्टर और सिर्फ रेगुलेटर का ही कॉम्बिनेशन है, तो क्या कहेंगे इसको, एफ आर यूनिट। अगर एफ आर एल है तो हम क्या कहेंगे, फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कनेक्शन करने के लिए हमें स्पेसर्स को यूज करना पड़ता है। स्पेसर में कुछ बोसल्स होती हैं, कुछ स्क्रूज होंगे, कुछ उसमें कनेक्शन होंगे कि मतलब हमारी जो एयर है वो लीक ना हो, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर फिल्टर और रेगुलेटर को यूज किया गया। तो सबसे पहले फिल्टर यूज करेंगे, उसके बाद रेगुलेटर, रेगुलेटर के बाद हम ल्यूब्रिकेटर यूज करेंगे। तो ये यहाँ पर ल्यूब्रिकेटर आ गया वापस, डन। तो ये हमारे पास एफ आर एल मॉड्यूलर। देखो मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है, पीएलसी में भी मैंने आपको बताया था, मॉड्यूलर जो हम पीएलसी यूज करते हैं वो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी थी। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है कि आप डिफरेंट चीज मॉड्यूल्स को कंबाइनली इसके साथ अटैच कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे देखो ये क्या आ गया हमारे पास, फिल्टर रेगुलेटर लुब्रिकेटर। उसी तरह से इसका जो कंबाइंड सिंबल बनेगा, फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर, इस तरह से ये पूरा सिंबल बन जाता है, ठीक है। इसका कंबाइंड सिंबल इस तरह से यूज करते हैं। कभी आपको सिमेटिक में दिखेगा ये तीनों कंपोनेंट, हो सकता है आपको दो ही कंपोनेंट दिखे या अस्त आपको अलग अलग एक तीनों कंपोनेंट दिखे, बट ये असेंशियल्स हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एयर प्रेपरेशन यूनिट। और ये आ गया हमारे पास फिल्टर रेगुलेटर कॉम्बिनेशन, फिल्टर रेगुलेटर कॉम्बिनेशन ल्यूब्रिकेशन मॉड्यूलर। सो देखो उस चीज के बाद अब हम आ जाते हैं स्विचेस के ऊपर। यस सो ये तो हमारे पास आ जाएगा सॉफ्ट स्टार्ट वॉल्व। स्विचेस पे जाने से पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे, दीज आर यूज टू सेफ्टी डिवाइस टू प्रिवेंट द रिस्क सडन इफेक्ट ऑफ एयर फिल्टर्स। हम क्या करते हैं, कई बार सडन इफेक्ट ना हो हमारे एयर फिल्टर के ऊपर, तो उससे पहले भी हम कोई ना कोई एक, जैसे कि कह सकते हैं कि हम सेफ्टी पर्पज से इस तरह के डिवाइसेस यूज कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है सॉफ्ट स्टार्ट वॉल्व। ये क्या करता है, जैसे इसके अंदर एयर आना स्टार्ट होगी ये उसको बहुत स्लोली स्टार्ट करेगा, एकदम से स्टार्ट नहीं करेगा। पहले ये इसमें स्टार्ट होगा, उसके बाद वो वहां पर जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रेशर 10 बार था, यहाँ पे प्रेशर बहुत इजीली राइज करेगा, ठीक है। एकदम से 10 बार नहीं हो जाएगा और बड़े, फिर उसके बाद जाके क्या हो जाएगा, 10 तक पहुंचेगा। तो ये क्या करता है, सॉफ्ट स्टार्ट। सॉफ्ट स्टार्ट का मतलब है कि आप एकदम से स्टार्ट नहीं कर दोगे, क्योंकि देखो मानो फिल्टर आपका जो एयर फिल्टर है वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, उसमें एकदम से प्रेशर एयर डालोगे तो हो सकता है कि आपका जो फिल्टर की जो वॉल्व है वो ब्रस्ट हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं,
सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए हम कई बार ये चीजें यूज कर लेते हैं अगर हम कोई हाई प्रिसीजन वर्क कर रहे हैं। एंड अब हमारे पास ऑटो ड्रेन यूनिट, देखो जब हम फिल्टर की बात कर रहे थे तो ये सिंबल किस चीज का था, फिल्टर का था। अब फिल्टर में अगर मानो नीचे उसके जो कंडेंस या कह सकते हैं जो एक्सेस जो मॉइस्चर था वो इकट्ठा होकर किस फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, वाटर फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं ऑटो ड्रेन वॉल्व की, तो उसमें क्या होता है जिस टाइम वो फिल हो जाता है वो ऑटोमेटिकली ड्रेन हो जाता है, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है उसको मैनुअली ड्रेन करना पड़ता है। तो ऑटो जो ऑटो ड्रेन वॉल्व है वो क्या करता है, जैसे ही वो फिल हो जाएगा, मैं यहाँ से आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है, मानो यहाँ से इसमें वाटर इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ ठीक। अब एक टाइम आएगा जैसे ये पूरा फुल हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ से ये वॉल्व ओपन हो जाएगा प्रेशर की वजह से ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ये देखो यहाँ पे देखना गेज को देखना प्रेशर बन रहा है, एक प्रेशर आएगा स्पेसिफिक, उसके बाद क्या होगा वो सारा का सारा वाटर पूरा पूरा ड्रेन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं ऑटोमेटिक ड्रेन ठीक है। ऑटोमेटिक ड्रेन वॉल्व भी लगे होते हैं कि किसके नीचे लगा होता है, ये हमारे पास फिल्टर के नीचे लगा होता है। ये देखो ये हमारे पास कौन सा है, रेगुलेटर है, रेगुलेटर है और ये एयर फिल्टर है, यहाँ पे हमारे पास ऑटोमेटिक ड्रेन वॉल्व लगेगा, ऑटो ड्रेन वॉल्व लगेगा। ये हमारे पास आ जाएगा लाइन ड्रेन। मैक्सिमम टाइम में क्या होता है जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें अगर इस तरह के यूनिट्स यूज होते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो मल्टीपल जगह पे ड्रेन यूनिट्स लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास कहते हैं कि एक मशीन नहीं होती है जो न्यूमेटिक पे काम कर रही है, हो सकता है उनके पास 100 मशीन हो, तो वो क्या करते हैं इस तरह से अपना नेटवर्क पूरे इंडस्ट्री में बिछा के रखते हैं कि जगह जगह पे उन्होंने ड्रेन वॉल्व लगाए होते हैं और वो ऑटो ड्रेन को यूज करते हैं कि कौन उनको रोज जाके ड्रेन करेगा, तो क्या करते हैं ऑटो ड्रेन को यूज कर लेते हैं। अब यहाँ से चीज आ जाती है, ये हमारे पास आ गया रेगुलेटर एनआरवी, अभी चीज के आपको करने की जरूरत नहीं है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ठीक है। ये भी एक रेगुलेटर का ही टाइप था। अब हम बात करते हैं पुश बटन की। ओके तो देखो पुश बटन पे जाने से पहले मुझे ये बताओ कि फिल्टर रेगुलेटर और लुब्रिकेटर में किसी को कोई डाउट, तीनों में से? नो सर, तो देखो अभी तक हम किस नो। किस प्रोसेस तक पहुंच चुके हैं, ये मान लेते हैं कि मेरे पास जो कंप्रेसर है वो 10 बार का प्रेशर बना रहा है। ओके तो यहां से कंप्रेसर से एक हम पाइप लेंगे, पाइप को कनेक्ट करेंगे कहां पर, सबसे पहले फिल्टर में करेंगे, देन रेगुलेटर में करेंगे। रेगुलेटर क्या करेगा, 10 बार के प्रेशर को 8 बार में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि मेरे जितने भी न्यूमेटिक के कंपोनेंट्स हैं वो 8 बार पे ऑपरेट होते हैं जो हमारे पास लैब में अवेलेबल है। हो सकता है कि इंडस्ट्री में डिफरेंट प्रेशर पे काम करते होंगे, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कंपोनेंट यूज कर रहे हो। एंड इसके बाद क्या होता है, ल्यूब्रिकेटर। जहां पे हमारे पास अनफिल्टर्ड एयर होती है, यहाँ पे हमारे पास फिल्टर्ड एयर होती है और हमारे यहाँ पे होती है फिल्टर्ड प्लस ल्यूब्रिकेटेड एयर ठीक है। इस एयर के बाद अब हमें क्या होता है, हमारे पास यहाँ पर 8 बार की एयर मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ स्विचेस लेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स में किस तरह से स्विच बनाते थे इसी तरह से। इलेक्ट्रॉनिक्स का स्विच करता क्या है, देखो मान लो ये हमारे पास एक एलईडी है, जब मैं इस स्विच को कनेक्ट करता हूं तो यहां से करंट के फ्लो को ऑन करता है और अगर ऑफ करता हूं तो करंट के फ्लो को रोक देता है। वही स्विच न्यूमेटिक स्विच भी इसी तरह से काम करता है, वो क्या करेगा वो एयर फ्लो के ऊपर काम करेगा ठीक है, या तो एयर फ्लो को जाने देगा या तो एयर फ्लो को रोकेगा। ऑन का मतलब जाने देगा, अदरवाइज उसको स्टॉप करेगा। तो ये देखो हमारे पास ये जो पुश बटन है इसको हम रीड किस तरह से करते हैं, दिस इज अ मैनुअली ऑपरेटेड वॉल्व, व्हेन प्रेस्ड सेंड्स आवर न्यूमेटिक सिग्नल टू द डायरेक्शनल वॉल्व टू शिफ्ट द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इनडोर टू मेक द सिलेंडर पिस्टन एक्सटेंड और रिएक्ट एज अ डिजायर्ड। तो ये क्या कह रहा है, जब आप इस स्विच को प्रेस करोगे तो यहां से जो इन एयर आ रही है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास आउटपुट पोर्ट पे आना स्टार्ट हो जाएगी। और उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, यहाँ पर एक सिंबल बना हुआ है, मैंने इस सिंबल्स के बारे में आपको बताना पहले ही स्टार्ट कर दिया था, तो इस सिंबल को पहले मैं यहाँ पर बना लेता हूँ और जब हम वर्किंग देखेंगे उसकी उसके साथ में इसको समझेंगे ठीक है। सिंबल कुछ इस तरह से है हमारे पास कि यहाँ पर ये सिंबल बना हुआ है ठीक है, और यहां पर बना हुआ है स्प्रिंग, यस ठीक है, स्प्रिंग बना हुआ है और इस चीज को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है
उसी तरह से आ जाएगा हमारे पास। इसको नंबरिंग किस तरह से होती है, नंबरिंग होती है वन, वन का मतलब हमेशा क्या होता है, इनलेट, टू का मतलब होता है आउटलेट, और थ्री का मतलब होता है एग्जॉस्ट। तो जब भी आपके पास इस तरह के नंबर्स आएंगे, अगर मैं फाइव की बात करूं इसके बाद, तो वन टू थ्री, अभी आप इसी चीज को मान के चलो, यहां पर वन टू थ्री, असल में ये दो दो पार्ट्स में क्यों होता है। ओके, इस चीज को समझने के लिए हम यहां से देखते हैं। अभी हमारा स्विच ऑफ है, अगर स्विच ऑफ है तो हमारे पास जो यहां से एयर आ रही होगी तो वो कहीं तो जा रही होगी, तो वो एयर अभी कहाँ जा रही है, वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जा सकती है, या तो यहाँ पे रुकी रहेगी या तो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जाएगी। तो अभी हमारे पास कनेक्शन किस किस पोर्ट के बीच में है, टू और थ्री के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे पास कनेक्शन किस चीज के बीच में है, कनेक्शन है अभी हमारे पास टू और थ्री के बीच में। और डायरेक्शन देखो जरा, डायरेक्शन किस तरह से, टू से थ्री के बीच में हमारे पास डायरेक्शन है। इसके साथ में ही मैं यहां पर एक रफ सी डायग्राम बना रहा हूं। ये मान लो मेरे पास यहां से एयर इन आने वाली है, यहां से आउट है, और यहां पर हम मेरे पास है एग्जॉस्ट। ओके, तो मुझे बताओ इसमें देख के आपको ये हमारे पास कौन सा आ गया, वन टू हमारे पास आउटपुट है, थ्री हमारे पास एग्जॉस्ट है। कनेक्शन अभी हमारे पास किस किस के बीच में है, टू और थ्री के बीच में है। तो अभी इसका मतलब क्या है, जो भी एयर हमारे पास एफ एल आर यूनिट के बाद आ रही है वो कहीं पे भी नहीं जा रही, वो यहां पे स्टक है एयर, और अभी हमारे पास कनेक्शन टू और थ्री के बीच में बना हुआ है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास आगे अगर मानो मैंने एक सिलेंडर लगाया हुआ है या कोई भी कंपोनेंट लगाया हुआ है, तो मेरे पास आगे एयर नहीं जा रही, अभी मेरे पास कनेक्शन टू और थ्री के बीच में बना हुआ है। जब मेरा स्विच किस पोजीशन में है, ऑफ पोजीशन में है। अब यहां से देखते हैं, मैंने एनिमेशन को रन करा, मैं स्विच को क्या करूंगा, यहां से अभी मैं ऑन करने वाला हूं। जैसे ही मैं ऑन करूंगा देखना क्या होगा, यहां से जो एयर है वो आउटपुट पोर्ट में चली जाएगी, और ये इस वाले ब्लॉक को भी ध्यान से देखना, मैं इसको प्रेस कर रहा हूं, मैंने प्रेस करा। अब देखो अभी हमारे पास कनेक्शन किस किस के बीच में बन गया, वन और टू के बीच में, और तीन से कनेक्शन कट हो गया, और हमारे पास जो एयर इन पे आ रही है वो आउटपुट पोर्ट पे मिल रही है, और यहां पे स्प्रिंग क्या हो गया, प्रेस हो गया। ओके, सो अब क्या हुआ, ये तो हमारे पास थी कंडीशन किस चीज के लिए, ऑफ के लिए। ऑन कंडीशन में क्या होगा, ऑन कंडीशन में हमारे पास ये जो बटन था ये हमने प्रेस कर दिया, अब ये बटन हमारे पास हो गया प्रेस। ठीक है, अब हमारे पास जो कनेक्शन है वो वन और टू के बीच में बन गया, और एरो की डायरेक्शन कहां से है, इनपुट से आउटपुट की साइड को, और थ्री के बीच में हमारा, टू और थ्री का बीच का कनेक्शन कट हो चुका है, और यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, वन टू थ्री। ठीक है, और अगर हम इसको यहां पर भी बनाना चाहें, ठीक है, तो हम किस तरह से बना रहे थे, इनपुट आ रही थी, आउटपुट आ रही थी, ये हमारे पास एग्जॉस्ट था, तो यहां से जो एयर आ रही थी वो यहां से जा रही है। ठीक है, ये इन आ गया जिसको हमने वन नाम दिया हुआ है, और यहां पर आ गया टू जो हमारे पास आउट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, ये ऑफ कंडीशन है, और ये कौन सी कंडीशन है, ऑन कंडीशन है। और इस बल्ब को मैं क्या कह सकता हूं, कितने कितने कनेक्शन है यहां पे करने के लिए, मेरे पास थ्री कनेक्शन है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं, थ्री बाई टू, थ्री कनेक्शन, और दो टाइप से इसको मैं ऑन ऑपरेट कर सकता हूं, एक ऑफ कंडीशन में, एक ऑन कंडीशन में, तो इसको मैं थ्री बाई टू वॉल्व कह सकता हूं। ओके, अब मैं इसकी एक बार आपको फिर से वर्किंग दिखा देता हूं, कोई ज्वाइन करना चाह रहा है बस। ठीक, यहां से देखो मैंने स्विच को ऑफ करा, अभी आपको एग्जॉस्ट में दिखी एयर जाती हुई, फिर से वही वापस उस पोजीशन में आ गया कि टू से थ्री का कनेक्शन बन गया, टू से थ्री का कनेक्शन बन गया। जैसे मैं प्रेस करूंगा यहां से हमारे पास आउटपुट में एयर आना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे मैं बंद करूं तो एग्जॉस्ट को देखना। अब ये एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट कहां से आता है, जो एयर यहां पर इसके अंदर थी ना वो यहां से निकल के चली जाएगी, देखना ये देखो एग्जॉस्ट से निकली ना वो एयर बाहर, तो यही चीज है। अब वो एयर आ कहां से रही, वो जस्ट यहां पे देखो, जहां पे ये रेड और ये जो यहां पर आपको दिख रहा है ना हैमर टाइप,
यहाँ पे जो एयर है वो यहाँ से क्रॉस होते हुए एग्जॉस्ट से बाहर निकलेगी, ये देखो यहाँ से एयर एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाती है। तो ये है हमारे पास ऑपरेशन किस तरह से काम करता है, हमारे पास एक स्विच, और वो कौन सा स्विच है, न्यूमेटिक स्विच, किस तरह से काम करता है। समझ आ गया, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ओके, एंड देन हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब देखो जो पिछले वाला जो सिंबल था उसकी जगह पे आप यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक रोलर लगा हुआ है, ये देखो ये जो सिंबल है ये एक रोलर के लिए यूज होता है। रोलर का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ, एंड यहाँ पर चलते हैं। अगर आपको इस तरह का सिंबल दिख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि आपके पास एक मैनुअल स्विच है जिसको आपको हाथ से प्रेस करना पड़ेगा, सिंपल एक बटन है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का एक बॉल्ब है जिसमें इस तरह की आपको चीज दिख रही है और यहाँ पर आपको स्प्रिंग दिख रहा है, तो यहाँ पर एक रोलर होता है। अब ये रोलर क्यों यूज होता है, असल में ये जो रोलर होता है ये एक सेंसर की तरह यूज किया जाता है बाद में, ठीक है वो स्विच है। देखो पूरी कंडीशंस वही है, इन होगी आउट होगी एक एग्जॉस्ट होगा, ठीक है। अभी टू से एग्जॉस्ट की तरफ वो कनेक्टेड है, बाद में हमारे पास वन और थ्री का कनेक्शन बीच में आ जाएगा जब जैसे मैं इसको रन करूंगा। ओके, इसको आगे लगाते हैं, ये देखो जैसे ही ये रोलर के ऊपर क्या आया, हमारे पास ये पिस्टन आया, यहाँ से पिस्टन जैसे ही मूव करेगा तो इसको हम क्या करते हैं बाद में, हम इसको एज अ सेंसर यूज करते हैं कि जब भी पिस्टन हमारा ऑन होगा तो हमें सिग्नल मिल जाए, ठीक है। जब भी पिस्टन इसको प्रेस करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारे पास एयर टू पे आ रही है, ठीक है। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा एग्जॉस्ट के थ्रू वो एयर बाहर निकल जाएगी, एग्जॉस्ट के थ्रू एयर बाहर निकल जाएगी टू से एग्जॉस्ट की तरफ। जब ये ऑन था तब देखोगे आप तो ये देखो वन से टू के बीच में कनेक्शन बना हुआ है, वन से इन एयर आ रही है, आउट से बाहर जानी चाहिए थी, इन्होंने एरो गलत लगाया हुआ है जिन्होंने एनिमेशन बनाई है, ठीक है। तो ये है इसका प्रिंसिपल वर्क करने का जो हमारे पास रोलर टाइप होता है। ये हमारे पास हमने ये देख लिया, ये स्विच भी देख लिया। अब उसके बाद इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाता है, 2x2 NC डायरेक्ट एक्टिंग एयर फ्लो डायरेक्शन के लिए हमारे पास एक, अगर हम बात करें PLC के साथ इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये हमारे पास रिले आ जाती है जिसको हम PLC के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं, वर्किंग सेम ही रहती है इन सभी चीजों की, ये देखो वर्किंग में क्या है। अभी स्विच हमारा ऑफ कंडीशन में, जैसे मैं ऑन पे प्रेस करूंगा इन वाली जो एयर है वो आउटपुट पोर्ट पे मिल जाएगी, और वो कब मिलेगी जब मैं PLC के साथ इस वाली जो रिले हमारे पास मॉड्यूल है, सॉलेनोइड जो वॉल्व है, उस चीज को ऑपरेट करूंगा। ओके, ये देखो ठीक है, और जब ऑफ करूंगा तो एग्जॉस्ट के थ्रू ये सारी चीज बंद हो जाएगी, ठीक है। बट इस वाले केस में आपको एग्जॉस्ट नहीं दिख रहा होगा, ओके। तो ये सिंपल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, जस्ट कनेक्शन मेक और ब्रेक के लिए यूज हो रहा है। और यहां पर हमारे पास के जो आपको करंट दिख रहा है इसका मतलब क्या है कि सोलेनोइड वॉल्व को आपने ऑन करा हुआ है, ठीक है। ये कहता है कि वन डायरेक्शनल वॉल्व है एयर के फ्लो को इंटरप्ट करने के लिए और उसको ऑपरेट करवाने के लिए, एंड देन हम डिस्कस करेंगे। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी कर लिया। अगर यही वॉल्व हमारे पास एग्जॉस्ट के साथ आता है तो एग्जॉस्ट के साथ भी ये चीज रहती है, ऑन करेंगे ठीक है, ऑफ करेंगे तो ये एग्जॉस्ट इसमें यहां पर रहेगा। तो ये दोनों टाइप से आता है, आपको कैसे पता लगेगा, अगर आपके पास यहां पर सिंबल में एग्जॉस्ट बताया गया है। प्रीवियस में अगर देखेंगे, ये देखो इस प्रीवियस में क्या था, हमारे पास सिर्फ वन और टू में ही कनेक्शन था, तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा, 2x2, ये देखो 2x2, और नेक्स्ट को किस तरह से रीड करा होगा इस चीज को, इसको हम रीड करेंगे 3x2, ये देखो 3x2 NC, ओके। रीड करना आ गया अब आपको चीजों, कैसे रीड करना है, हमने ये 2x2 है, ये हमारे पास इसके बाद 3x2 था। और एक चीज आती है हमारे पास कि NO और NC, हाँ NO और NC आपने चीजें पढ़ी हुई है, ठीक है, क्योंकि आपने PLC कर ली है तो आप NO और NC के बारे में
जान सकते हो। नॉर्मली ओपन और नॉर्मली कनेक्टेड का क्या मतलब है, समझाता है ना सर आपको चीज। देखो ये किस तरह का है, ये है एनसी टाइप का। ओके नॉर्मली कनेक्टेड रहेगा और ये आ जाएगा नॉर्मली, सॉरी नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन में क्या है हमारे पास कि अगर इसका ना पीएलसी थोड़ा सा रिलेशन इनवर्स में रहेगा, कैसे कि हम किस तरह से समझ सकते हैं। अब ये मानो कि अगर आपके पास घर का जो नल खुला है तो उसमें से पानी निकल जाएगा ना, तो उसे हम क्या कहेंगे ओपन, कि नल क्या है हमारे पास ओपन है। अगर ये ओपन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, वाटर फ्लो करेगा। मैं आपको बता देता हूं, कई बार इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अगर हम मैं दो टाइप के एनओ और एनसी कंसीडर करूंगा, एक मैं बात करूंगा पीएलसी के बारे में, ठीक है, और एक हम बात करेंगे न्यूमेटिक के बारे में, ठीक है। न्यूमेटिक पीएलसी का नॉर्मली ओपन का मतलब क्या होता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट हमारे पास, अगर हम पीएलसी बनाए, ये हमारे पास कॉमन है, सॉरी रिले बनाए, तो रिले में हमारे पास एक रहता है नॉर्मली कनेक्टेड और नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन में हमारे पास करंट नहीं आ रहा होता, और एनसी में हमारे पास क्या होता है, कॉमन के साथ कनेक्शन होता है, उसको हम बाय डिफॉल्ट ऑन मानते हैं। पर न्यूमेटिक कनेक्शन में क्या होता है, इसमें हमें इस चीज को इस तरह से याद रखना है कि मानो आपके पास एक वाटर का टैप है, अगर टैप आपका ओपन है, ओपन टैप का मतलब क्या है, उसमें से वाटर फ्लो कर सकता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, एयर फ्लो अलाउड होगा, ठीक है। अगर आपका टैप क्लोज है, आपने नल का बंद कर दिया हुआ है, तो आपका क्या होगा, एयर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, ये देखो नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है कि आपका बाय डिफॉल्ट ये काम कर रहा है, जैसे ही आप इसको ऑन करोगे ये करेगा, इसको एयर को इंटरप्ट कर देगा, ठीक है। अगर हम एनसी की बात करें, नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है, नल हमारा क्या है ऑफ कंडीशन में है। ये देखो 3/2 एनसी की बात कर रहे हैं, नॉर्मली क्लोज, हमारे पास जो इनसे जो एयर आ रही है वो आउटपुट नहीं मिल रही, ऑन करेंगे तब जाके वो मिलेगी, ठीक है। दोनों को अगर कंपेयर करें, डू नॉट रिप्लेस अ मूविंग कोर असेंबली एनओ एनसी एंड वाइस वर्सा, तो ये कह रहा है कि आप दोनों की असेंबली को एक दूसरे के साथ आप रिमूव नहीं करोगे, मतलब रिप्लेस नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की अपनी एक फंक्शनैलिटी रहती है। एंड इसके बाद हम डिस्कस कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास और भी टाइप के स्विचेज आते हैं, जैसे आप मान लो कि आप चाहते हो कि कुछ आप इमरजेंसी में प्रोसेस कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक फुट पैडल भी हमारे पास यूज होता है, तो ये फुट ऑपरेटेड वॉल्व है। असल में जैसे आप इसको प्रेस करोगे वॉल्व ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लोज हो जाएगा। अब यहां से आपको नाम पढ़ने में आसानी हो जाएगी। देखो तो फुट वॉल्व के लिए सिंबल किस तरह से यूज है, इस तरह से एक सेवन टाइप बना हुआ है यहाँ पर, ये फुट वॉल्व का सिंबल है। अब इसको अगर आप, मैं आपको पूछूं कि ये किस तरह से है, इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, 5/2, क्यों, 1 2 3 4 5, फाइव फाइव कनेक्शंस करने के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है, और पोर्ट्स कितने हैं हमारे पास, पोजीशंस कितनी है, दो, तो इसको मैं करूंगा 5/2। इसमें मेरे पास तीन है और इसके पोर्ट्स कितने हैं हमारे पास, दो, तो मैं इसको कहेंगे 3/2 एनओ, और यहां पर हमारे पास क्या है, 3/2 एनसी। आई होप कि आपको चीज समझ आ गई है, ठीक है। ये सिंबल क्या है, सर सर एनओ और एनसी, ठीक है। ओके देखो सबसे पहले जो न्यूमेटिक के जो एनओ और एनसी हैं, उसमें आपने ये मान के चलना है, ओपन का मतलब है कि आपका टैप ओपन है, अगर टैप ओपन है तो उसमें से वाटर फ्लो कर सकता है। अगर वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है हमारे पास, अगर मैं इसका इस तरह से डायग्राम बनाऊं, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है तो वन और टू के बीच में कनेक्शन है, ठीक है, थ्री के साथ कनेक्शन नहीं है। अगर वो क्लोज है, एनसी टाइप का है, नॉर्मली क्लोज, मैं नॉर्मल पोजीशन की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्विच को प्रेस कर रहा हूँ या स्विच को ऑन कर रहा हूँ ऑफ कर रहा हूँ। शुरू से स्टार्ट करते हैं, यहां से देखो ये कौन सा है, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब क्या है कि अगर आपका टैप क्लोज है तो आपके पास आउटपुट में कोई वाटर नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है।
अगर वाटर में नहीं मिल रहा है तो हमारे पास वन और टू के बीच में कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं है। ओके जब हम बात करेंगे यहाँ से दोनों को कंपेयर करते हैं, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसी तरह से, अगर ये हो जाए ओके, हाफ स्क्रीन पे इसको ले लेते हैं और हाफ में इस तरह से ठीक। अब देखो 3/2 एनसी की बात करते हैं, तो सबसे पहले 3/2 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 पोर्ट्स होंगे, 1, 2, 3, इसी तरह से यहां पर भी होंगे 1, 2 एंड 3, नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज का मतलब है कि हमारे पास 1 और 2 के बीच में कनेक्शन नहीं होगा। तो कनेक्शन किस किस के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में। 2 हमारे पास आउटपुट होती है और 3 हमारे पास एग्जॉस्ट होता है ठीक है। तो हमारे पास एयर फ्लो हमें आउटपुट पे नहीं मिलेगा। अब मैं 3/2 NO की बात करता हूँ, 3/2 NO में क्या होगा, उसमें भी हमारे पास 3 है पहले, तो 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो देखो नॉर्मली ओपन है, ओपन है तो 1 और 2 के बीच में कनेक्शन पहले से बना रहेगा। हम यहां पर चेक करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, ये NC आ गया सॉरी NC, और ये हमारे पास आ गया NO। ये देखो NO में हमारे पास 1 और 2 के बीच में ऑटोमेटिकली कनेक्शन पहले से बना हुआ है, और NC में क्या होता है, नॉट कनेक्टेड, इसमें क्या होता है, नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन, इसको हम कह सकते हैं ठीक है, समझ आ गया। इसको आप टैप से याद रखना, कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो इसको टैप से याद रखना, जैसे हमारे घरों में जो टैप होता है, बट इसको मिक्स नहीं करोगे PLC के NO और NC के साथ में, वो चीजें अलग थी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बात थी और यहां पे एयर फ्लो की बात है। इसके बाद ठीक है समझ आ गया जिसका डाउट था। यस सर। ओके ओके ठीक है। ये NC आ गया था, NO आ गया था, और इसके बाद दोनों के बारे में डिस्कस हो गया था। और ये पैडल में देख लो, नॉर्मली ओपन, ओपन मतलब टैप हमारा ओपन है तो 1 और 2 के बीच में कनेक्शन बना रहेगा। नॉर्मली क्लोज, हमारे पास टैप ऑफ है, क्लोज है, तो क्लोज का मतलब क्या है, 2 और 3 के बीच में होगा, हमारे पास आउटपुट में कोई भी एयर हमें नहीं मिलेगी ठीक है। ये कंपैरिजन आ गया किस तरह से है, और लुब्रिकेशन नॉट रिक्वायर्ड, फास्टर रिस्पॉन्स ठीक है। ये भी 3/2 NO आ गया, NC, तो मैं बैग जा रहा था चाहिए ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास स्पूल वॉल्व। अब ये स्पूल वॉल्व क्या होता है ठीक है, तो इसमें आपको स्पूल वॉल्व में, अगर मैं आपको रीड करने के लिए कहूँ तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहां से 5 कनेक्शंस दिख रहे हैं और 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा किस तरह से, स्पूल वॉल्व का मतलब यह है कि अभी आपके पास एक वॉल्व नहीं, आपके पास मल्टीपल वॉल्व हैं। दोनों टाइप, दोनों साइड से कुछ इस तरह से लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों साइड से हमारे पास इसको ट्रिगर करने के लिए कोई ना कोई इनपुट रहेगी। हो सकता है कि उसको हम हाथ से प्रेस करें या एयर से प्रेस करें, वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो मैं इसके बाद बताऊंगा कि सिंबल क्या है इसका। अब देखो ये कौन सा है, 5/2। 5/2 का मतलब क्या है, 1, 2, देन हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं 2 यहां पे ना लिखूं एग्जैक्टली इसी तरह से बनाऊं जैसे यहां पर बनाया हुआ है, 1, 2, 3, 1 इनपुट 2 आउटपुट 3 एग्जॉस्ट, 4 हमारे पास आउटपुट, 5 हमारे पास एग्जॉस्ट ठीक है। उसी तरह से 1 हमारी इनपुट आ गई, 2 हमारी आउटपुट आ गई, 3 हमारा उन चीजों का एग्जॉस्ट आ गया, 4 हमारे पास आउटपुट आ गई, 5 उसका एग्जॉस्ट आ गया ठीक है। तो असल में मतलब क्या है कि यहां से ये चीज हमारे पास इनपुट के लिए यूज हो रही है, एयर को इन करने के लिए है। हमारा टारगेट क्या है कि या तो मैं 4 पे इसमें एयर ले सकता हूँ या तो 2 पे लेके जा सकता हूँ। यहाँ से आप वर्किंग देख लेते हैं, आराम से देखेंगे,
सबसे पहले देखो हमारे पास जो एयर है वो वन से इनलेट हो रही है, ठीक है, हमारे पास इन पोजीशन में एयर यहाँ से आएगी, तो बाय डिफॉल्ट जो कनेक्शन है वो वन और टू के बीच में है। अगर वन और टू के बीच में कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्यों है, आप यहाँ से देखो राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एयर दिख रही है, तो ये जो हमारे पास स्पूल वॉल्व होता है, डबल एक्सटर्नल पायलट ऑपरेटेड वॉल्व, जब मैं बात करूंगा पायलट ऑपरेटेड की, पायलट ऑपरेटेड का मतलब क्या है कि उसे किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है, उसे किसी बटन की, ह्यूमन फोर्स की जरूरत नहीं है, उसे किस चीज की जरूरत है, एयर की जरूरत है। तो इसमें जो स्विचेज हैं वो एयर ऑपरेटेड है, अगर आप यहाँ से एयर इंसर्ट करोगे तो ये वाला वॉल्व ओपन हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लोज हो जाएगा। तब यहां से देखते हैं, एयर यहां से आ रही है, यहां से इस वॉल्व से होते हुए वो बाहर निकल गई, ठीक। और अभी के लिए क्या हो रहा है, जब ये कनेक्शन बना हुआ है तो अभी हमारे पास आप यहां पे देख सकते हो वन से टू के बीच में तो कनेक्शन बना हुआ है, बट इसके रिवर्स में यहां से एक और पोर्ट ओपन है कि अगर इन केस आपको कभी जरूरत पड़ जाती है तब आप क्या कर सकते हो, यहां से भी कनेक्शन कर सकते हो। अब इस एप्लीकेशन में पूरा कर लेता हूं, फिर आपसे मैं एक क्वेश्चन करूंगा इसके बाद, ठीक है। अब देखो मानो इसके बाद हम क्या करते हैं, अब मैं यहां से एयर मैंने बंद कर दी और मैंने लेफ्ट साइड से एयर इंसर्ट करना स्टार्ट करा, तो अब ये स्पूल जो वॉल्व है ये दूसरी साइड को शिफ्ट हो जाएगा, अब जो वन से इनपुट आ रही थी वो फोर से आउटपुट होना स्टार्ट हो जाएगी, और टू से वो इनपुट ले सकता है और एग्जॉस्ट की तरफ वो हवा फेंक देगा। तो मुझे बताओ कि इस चीज को हम कहां पर यूज कर सकते हैं। किसी के पास कोई सुजेशन हो, सोच के देखो, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो मैंने आपको बताया था जिसमें हमें दोनों साइड में एयर चाहिए होती है, बट एक साइड में या तो प्रेशर चाहिए तो दूसरे साइड से आउट चाहिए होता, या दूसरे से प्रेशर करेंगे तो एक साइड से आउट चाहिए होता है। कोई भी स्टूडेंट, हिंट दे देता हूं, डबल एक्टिंग सिलेंडर, उसमें यूज कर सकते हैं इस चीज को। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं किस तरह से वर्किंग आपको समझ आ गई। वर्किंग में हमारे पास क्या है, यहां से हमारे पास एयर इनलेट हो रही है, ठीक है, यहां से हमारे पास एयर है वो क्या हो जाएगी, इन हो जाएगी, इन होने के बाद या तो हमें वो टू पर मिलेगी या तो फोर पे मिलेगी। मैं मानो यहां पर डबल एक्टिंग सिलेंडर यहां पे यूज कर लेता हूं, इसका पाइप का कनेक्शन मैं यहां से कर देता हूँ, इस पाइप का कनेक्शन मैं यहां से कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मानो मेरे पास जो क्या है, अभी कनेक्शन मेरा वन और टू के बीच में बना हुआ है, तो फोर से जो कनेक्शन है वो इसके एग्जॉस्ट के साथ आएगा फाइव में, तो जब ये पिस्टन होगा तो यहाँ पे मानो कोई पिस्टन है हमारे पास, एक सेकंड, कंट्रोल जेड, एक पिस्टन बना लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इसको मैं कर देता हूँ रब। ओके, ये हमारे पास पिस्टन है, मैं पिस्टन को यहां पर लेके आया। ओके, पिस्टन की बॉडी ऊपर रहेगी, बाकी सारा यहां पर आ गया। चलो ठीक है, मान लो ये पिस्टन है, ठीक है। अब मानो एयर अगर यहां से आ रही है, ठीक है, एयर अगर यहां से आना आ रही है, ठीक है, यहां पर एयर आएगी तो पिस्टन को इस तरफ धकेलेगी, इस तरफ पिस्टन पहुंच जाएगा, और यहां से जो एक्सेस एयर होगी वो फोर के थ्रू एग्जॉस्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। ओके, जब मैं क्या करूंगा, यहां से ऑन करूंगा, तब मेरा कनेक्शन कहां से बनेगा, कनेक्शन हमारा बन जाएगा वन और फोर के बीच में, वन और फोर में बीच कनेक्शन बनती है, एयर इसको क्या करेगी, यहां से प्रेशराइज करेगी आगे की तरफ मूव करने के लिए, इधर को जाएगा, जो एक्सेस एयर होगी इसके सामने उसको वो टू से वो थ्री में एग्जॉस्ट कर देगा। तो वहां पर हम इस स्पूल वॉल्व को यूज करते हैं जब हम डबल एक्टिंग सिलेंडर को यूज करना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। इससे क्या होता है, अब हमारे पास वो कंडीशन कभी अराइज नहीं होगी कि मानो पिस्टन में दोनों साइड से प्रेशर आ गया और आप सोच रहे हैं कि अब ये पिस्टन चलेगा कैसे, तो उसके लिए हम इस चीज को यूज करते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, स्पूल वॉल्व, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डबल एक्सटर्नल पायलट ऑपरेटेड वॉल्व। पायलट ऑपरेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि ये जो ऑपरेट होता है
ये हमारे पास न्यूमेटिक प्रेशर से ही ऑपरेट होता है। आई थिंक इतनी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? सर, इसमें जो ये इसको कंट्रोल पायलट वाल्व को जो सेकेंडरी एयर दिया है, ये अलग प्रेशर की होगी या वो दूसरी जो इनपुट वन पे दे रहे हैं वो अलग होगी? ओके ओके, हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका, क्योंकि मैं ये इमेजिन नहीं कर पा रहा था कि आप लोगों की बात समझ आया। आपने मुझे एक चीज और बता दी जो मुझे बतानी चाहिए थी आप लोगों को। देखो तो पंप, सर, ये ये तो तो सर ऐसा पंप हो गया है, ना, जैसे 5 वोल्ट कंट्रोलिंग सप्लाई होगी जैसे, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही और बोले, वो ये कंट्रोलिंग सप्लाई होगी और एक्चुअल प्रेशर तो जो ना वो दूसरा काम करेगा हाँ जी हाँ जी। ऑपरेटिंग। हाँ जी, ठीक। मैं अभी यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो कंप्रेसर के बाद हम कौन सा यूनिट यूज कर रहे थे, फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर। उसके बाद यहां से मेरे पास क्या आता है, यहां पे मेरे पास एक कंपोनेंट होता है कि जिसमें मैं मल्टीपल कनेक्शंस कर सकता हूं एयर के लिए, ठीक है? इसे कहते हैं स्प्लिटर कहते हैं। जैसे हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, ये एक्सटेंशन होती है हमारे न्यूमेटिक कनेक्शंस के लिए। मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगा। तो इससे क्या होता है कि हम मल्टीपल कनेक्शंस यहाँ से ले सकते हैं कि जितने भी कनेक्शन मुझे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक लगा देता हूँ स्विच, ठीक है? मैं यहाँ पर स्विच यूज कर रहा हूँ 3/2 इस तरह का बल्ब मैंने यूज करा, ठीक है? और वन टू थ्री, अभी नॉर्मल कंडीशन में जब स्विच प्रेस नहीं है तब मेरे पास इसी तरह से कनेक्शन होता है। तो मैंने क्या करा, यहां से एक कनेक्शन यूज कर लिया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूं, मेरे को इनपुट पे कनेक्शन करना है। हम क्या करते हैं, यहां से मैंने एक इनपुट कनेक्शन कर दिया वन के ऊपर, ठीक है? जब वन और टू के बीच में कनेक्शन बनेगा, वो कब बनेगा, जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा, ये हम चीज डिस्कस कर चुके हैं, तब हमारे पास यहां से एयर बाहर जाएगी, ठीक है? अभी मेरे पास एयर नहीं है, बट मैंने पाइप का कनेक्शन करके रखा हुआ है, ओके? अब इसके बाद हम यहां पर यूज कर रहे हैं ये न्यूमेटिक जो हमारे पास स्पूल था, ठीक है? ये स्पूल में हमारे पास क्या था, 5/2। सो 5/2 को मैं डायरेक्ट ना ड्रॉ करके मैं इसके डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, और वो डायग्राम के लिए मैं इस तरह से करता हूं। इसमें हमारे पास क्या था, यहां पर एक इनपुट थी एयर। मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास स्प्लिटर था मैं उसे डायरेक्ट एयर यहां पर ट्रांसफर कर दूंगा, ठीक है? तो मेरे पास यहां से एयर आ रही है, और इसका जो नॉर्मल कनेक्शन होता है वो यहां पर 2 के साथ होता है, और यहां पर मैं लगा रहा हूं अपना डबल एक्टिंग सिलेंडर, ठीक है? अगर डबल एक्टिंग सिलेंडर के मैंने कनेक्शन इसका इधर कर दिया, तो अभी मेरा जो पिस्टन होगा, ये मैं अपना एक पिस्टन बना देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? और यहां से 4 वाला कनेक्शन है। अगर 1 से 2 की तरफ मेरी एयर जा रही है, तो पिस्टन की जो पोजीशन होगी वो कहां पर होगी, पिस्टन की पोजीशन होगी यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां से तो प्रेशर बना हुआ है, यहां से एयर का प्रेशर बना हुआ है, इसको इस तरफ लेके जा रहा है। अभी देखो नॉर्मल कंडीशन में मैंने इस स्विच को प्रेस नहीं करा है, तो फिल्टर एयर यहां से आ रही है, यही हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन से एयर यहां पर आ रही है, पर स्विच प्रेस नहीं करा है, तो एयर आगे नहीं जा रही। यहां से एयर आ रही है, वो एयर यहां से होके इधर को जा रही है। अब मैंने कह रहा है स्विच का जो कनेक्शन था वो मैंने यहां पर कर दिया। ये हमारे पास कौन सा है, पायलट ऑपरेटेड। पायलट ऑपरेटेड का मतलब कि अगर यहां पर एयर आ जाएगी तो कनेक्शन हमारा 4 के साथ इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी देखो यहां से एयर है तो इधर कनेक्शन है, जब ये एयर यहां से आएगी तो कनेक्शन हमारे पास 1 और 4 के बीच में बन जाएगा, ओके? तो देखो जब मैं स्विच को प्रेस करूंगा, अब ये मान लो आप, ये कौन सा स्विच है, ये स्विच है हमारे पास जो बस के ड्राइवर के पास होता है। जब वो ड्राइवर इस स्विच को प्रेस करेगा तब क्या होगा, हमारे पास इस चीज को मैं करने के लिए यही कलर यूज कर लेता हूँ। देखो 1 से 2 के बीच में कनेक्शन बन जाएगा, ये कनेक्शन हमारा टूट जाएगा, यहाँ से एयर जाएगी, एयर जाते ही यहाँ पर एयर फिल हो जाएगी, एयर फिल होते ही हमारा कनेक्शन
वन और फोर के बीच में बन जाएगा, टू का कनेक्शन हमारा एग्जॉस्ट के साथ चला जाएगा थ्री में, तो यहाँ का जो हमारा जो पिस्टन है वो मूव कर जाएगा इस तरह से, डोर हमारा ओपन हो जाएगा, अभी हमारे पिस्टन को ये होल्ड रखेगा इस तरह से, ठीक है। और जितनी देर में सवारी उतर जाएगी उसके बाद वो क्या करेगा, स्विच को वापिस छोड़ देगा, वापिस ऐसे छोड़ देगा, तो आप आवाज आती है ना वहां से, आवाज आती है जैसे मतलब उसमें से एयर निकल रही है कहीं से दरवाजे से, तो वो क्या होता है एग्जॉस्ट में से एयर निकल रही होती है। जब वो स्विच को वापिस प्रेस करके छोड़ देगा तो क्या होगा, पिस्टन अपनी वापिस पोजिशन पे आ जाएगा और जो कंप्रेसर होगा वो उस डबल एक्टिंग सिलेंडर को क्या करेगा, वापिस अपनी पुरानी पोजिशन पे ले जाएगा। तो ये है हमारे पास सिमेटिक डायग्राम की, किस तरह से सिमेटिक डायग्राम बनती है हमारे न्यूमेटिक्स में। आई होप मैंने मतलब एक्सप्लेन करने का ट्राई करा, आपको समझ आया हो, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो गया। ओके, जिनका डाउट था डाउट क्लियर हो गया। आपकी बात सही थी कि अलग सप्लाई ही होती है। नहीं सर, मेरा तो एक क्वेश्चन ये था इसमें कि जो ये एक तो जैसे वो पीएलसी में 24 वोल्ट कंट्रोल सप्लाई लेते हैं हाँ और जी, वर्किंग हमारी जैसे 230 वोल्ट या 440 वोल्ट जो भी है वो रहता है, ओके ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो सिलेंडर को ऑपरेशन के लिए जो भी हमने वर्क करना है उसके लिए तो हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती होगी और उसमें मोटी पाइप भी लगती होगी, तो हाँ जी, मुझे लगता है कि सिलेंडर दो सिलेंडर अलग अलग ना हो कि भाई जैसे ये तो बस बड़ा तो एक एग्जाम्पल ले रहे कि उसमें सिंगल सिलेंडर है छोटा प्रेशर है, जहां पे बड़े बड़े जो वाल्व्स हैं जैसे वो हाइड्रोलिक वाल्व्स हैं जहां वो ऑपरेट आपने करने हैं तो वहां पे तो हाई प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिएगा, हाँ तो जी, वहां पे हो सकता है दो अलग अलग सिलेंडर्स होते हैं, एक हाई प्रेशर का एक लो प्रेशर, ये तो कंट्रोल सप्लाई की तरह यूज हो गए जैसे जो सप्लाई हमने दी है वाल्व के थ्रू। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर इन केस आपका ये जो सिलेंडर है, अब होता है क्या ना, हमारे पास जो लैब में इक्विपमेंट्स है वो सारे 8 बार पे ऑपरेट होने वाले हैं, ठीक है। ये स्विच भी हमारे पास 8 बार पे ऑपरेट होता है, ये पायलट भी 8 बार पे होता है और ये पिस्टन भी हमने 8 बार का ही वाला परचेज करा हुआ है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक ही टाइप के चीजें यूज करें। बट इन केस मुझे जरूरत पड़ जाती है, मेरा जो एप्लीकेशन है वो बहुत हैवी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास जो पिस्टन यूज हो रहा है वो काफी ज्यादा प्रेशर का यूज हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पास जो ये पायलट ऑपरेटेड है, पायलट ऑपरेटेड में मुझे रिले की तरह, मैंने रिले में आपको दो सप्लाईज बताई थी, रिले में मैंने कहा था एक तो आपके पास कॉइल वाली वोल्टेज होती है जो आपके पास 5 वोल्ट हो सकती है और जो ऑपरेट होनी है वोल्टेज वो 220 वोल्ट भी हो सकती है। वही सेम चीज यहाँ पर भी है, आपने क्या करना है, जब आप इस तरह का वॉल्व लेने जाओगे 5/2 वाला वॉल्व लेने जाओगे तो आपने उसका पायलट प्रेशर चेक करना है कि पायलट को ऑन करने के लिए मेनली इस चीज को ऑपरेट करने के लिए आपको अगर 8 बार से काम चल रहा है फिर तो ठीक है, और सेकंड चीज जो चीज आपने चेक करनी है जो इसका मेन जो कंपोनेंट है उसमें आपके पास कितना प्रेशर टोटली अलाउड है। हो सकता है कि मान लो ये 30 बार पे चलता है, ठीक है, तो आपको आपके पास जो प्रेशर यहाँ से आएगा 30 बार का चाहिए, तो उस केस में आपको कंप्रेसर भी अलग से यूज करना पड़ जाएगा, या आप सेम कंप्रेसर यूज कर लो ठीक, बट उसमें जो रेगुलेटर लगाओ वो 30 का लगा दो, बट आपके पास कंप्रेसर में पहले 50 होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होगा कि मतलब 10 बार को 30 बार में लेके जाओगे, आप नहीं कर सकते, हाँ प्रेशर को कम कर सकते हो या कंप्रेसर ही अलग यूज कर लो, तो बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप अलग से एक कंप्रेसर यूज कर लो, जो आपका एक डाउट था कि आप अलग से एक हाई वोल्टेज पावर सप्लाई यूज करोगे, तो आप एक अलग से कंप्रेसर परचेज कर लो एंड इस कनेक्शन को अब आप डायरेक्ट यहां से कर लो। ठीक है अब सर, ठीक है, ठीक आप है पहले सर, ऑपरेट प्लीज। करो। ओके, तो ये था हमारे पास स्पूल वाल्व की बात, ये पैडल था एंड उसी तरह से जैसे हमारे पास स्पूल वॉल्व था उसमें कई बार हमारे पास लीवर ऑपरेटेड भी आता है, इसमें क्या रहता है स्पूल वॉल्व हमारा हैंड लीवर ऑपरेटेड है। अब ऐसे हैंड लीवर आपने देखे होंगे तो बसों के दरवाजे में ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हमें एडिशनल स्विच यूज करने की जरूरत नहीं है। ये काम कैसे करता है, मतलब एक टाइप के आप ये मान लो कि इसके अंदर ही स्विच लगा हुआ है, मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो यहाँ से अभी ये 1 से 2 की तरफ आउटपुट दे रहा है, अगर मैं लेफ्ट में लेके जाऊंगा इसको तो ये 1 से इसकी तरफ आउटपुट दे के जा रहा है और बीच में रखेंगे तो ये कहीं पे भी आउटपुट नहीं देगा। बट जब इसको हम नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम किस तरह से पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब 3 ऑपरेशन है इसके, तो मैं इसको कहूंगा 5/3 हैंड लीवर ऑपरेटेड स्प्रिंग सेंटर्ड वॉल्व, ठीक है, जो इनके नाम है वो इनके एक तो डायग्राम के ऊपर इनके ऑपरेशंस के ऊपर डिपेंड करता है, 3 टाइप के ऑपरेशंस हो रहे हैं और टोटल जो हमारे पास इसमें इन आउट के लिए जितने हमारे पास पोर्ट्स अवेलेबल है वो कितने हैं, टोटल 5 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से रीड करेंगे, 5/3 एंड उसके बाद क्या कहेंगे, 5/3 हैंड लीवर
ऑपरेटेड स्प्रिंग सेंटर्ड वॉल्व। ओके, तो इस तरह से हम इसको रीड करेंगे, है ये स्पूल वॉल्व भी है। अगर आप जैसे मतलब कहीं पे हार्डवेयर की शॉप पे जाओगे, आप कहोगे कि मुझे स्पूल वॉल्व चाहिए, वो आपको पूछेंगे आपको स्पूल वॉल्व कौन सा चाहिए, पायलट ऑपरेटेड चाहिए तो उसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूमेटिक से चलता हो। आपको हैंड लीवर ऑपरेटेड चाहिए तो आपको हैंड लीवर ऑपरेटेड देगा। अगर आपको चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड में हमारे पास क्या होगा, उसमें हमारे पास यहाँ पर रिले लगी होगी, ये देखो यहाँ पर रिले लगी हुई है, तो ये हम रिले के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे हम PLC से जब सिग्नल देंगे तब हमारा जो न्यूमेटिक सिलेंडर है वो ऑन हो जाएगा, PLC से सिग्नल ऑफ कर देंगे तो नहीं होगा। क्योंकि देखो हम PLC ज़्यादा इजी समझते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर चीज़ों को हम ये ढूंढते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल हो, बट हम कई बार कनेक्शन प्योर न्यूमेटिक कनेक्शन भी करते हैं। तो दो टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, प्योर न्यूमेटिक, न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक, ठीक है, और उसमें आ जाता है और लास्ट में आ जाता है हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन यूजिंग PLC एंड न्यूमेटिक कंपोनेंट्स। तो ये भी चीज़ हमने देख ली, और ये लीवर का ऑपरेशन है 5x2। अच्छा, इसमें हमारे पास 5x2 वॉल्व भी रहता है। अब 5x2 वॉल्व में क्या होगा, हमारे पास वो सेंटर वाली पोजीशन नहीं होगी जिसमें वो क्या था कि कहीं पे भी कनेक्शन नहीं कर रहा था। एक बार मैं 5x3 दिखा देता हूँ आपको, देखो 5x3 में यहाँ पे इनपुट आ रही है पर वो कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको राइट की तरफ लेके जाऊंगा तो यहाँ से आउटपुट कनेक्ट होगी, बीच में लेके आऊंगा कहीं पे कनेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर कनेक्शन करूंगा तो 4 पे आउटपुट मिल जाएगी। बट अगर मैं 5x3 यूज कर रहा हूँ तो 5x3 में मेरे पास क्या है कि मैं रेस्ट पोजीशन भी मेरे पास एक पोजीशन बचती है। बट अगर हम 5x2 हैंड इसमें हैंड लीवर ऑपरेटेड यूज करेंगे तो उसमें या तो मेरे पास इनपुट से 2 की आउटपुट आएगी या तो 1 से लेके 4 में आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास 3x2 का भी है और ये हमारे पास आ जाएगा पहले 5x2, ठीक, और ये आ जाएगा 3x2। 3x2 में हमारे पास क्या है, इन है, आउट और एग्जॉस्ट, सिंपल बटन की तरह काम करेगा। इसको ऑपरेट करके दिखा देता हूँ एक बारी, ये देखो आउट आ गया, जब मैं इसको वापस करूंगा तो यहाँ से एग्जॉस्ट से एयर निकल जाएगी बस, ठीक है, सिंपल स्विच की तरह जैसे हमारे पास पहले स्विच था। एंड कल मैंने आपको ये चीज भी दिखाई थी शायद, बट वो इस तरह से ऑपरेटेड नहीं थी, ठीक है, ठीक है, उसमें हमारे पास बटन्स नहीं थे। एंड इसको भी रहने देते हैं, आज आपके लिए इतनी चीज ही सफिशियंट है, आई थिंक नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो किसी को कोई अगर डाउट है डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा करना इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना क्योंकि जो आपके न्यूमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहीं से क्लियर होंगे।